भोजपुरी की बहुचर्चित फिल्म डमरू का रिलेटेड आज आउट कर दिया गया है। फिल्म डमरू 6 अप्रैल से देश भर के सिनेमाघरों में भोजपुरी संस्कृति और मिट्टी की सुगंध लेकर आ रही है, जो भोजपुरी सिनेमा में जान फूकने का भी काम करेगी। एक अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म डमरू की गूंज भोजपुरी सिने प्रेमियों को गुदगुदाएगी, हंसाएगी और मनोरंजन के हर पहलुओं से रूबरू कराएगी। इस फिल्म का निर्माण काफी शानदार तरीके से किया गया है। इसके निर्देशक रजनीश मिश्रा हैं, जो पहले भी भोजपुरी सिनेमा में लीक से हटकर फिल्में बना चुके हैं। रजनीश मिश्रा ने फिल्म मेहंदी लगा के रखना और मैं सहरा बांध के आऊंगा के जरिए भोजपुरी सिनेमा की नई पहचान करने की कोशिश की, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। फिल्म डमरू उसी सीरीज की एक फिल्म है जो भोजपुरी सभ्यता, संस्कृति और समाज की आत्मा के करीब है। वहीं फिल्म मेहंदी लगा के रखना में पिता की भूमिका में नजर आने वाले इंडस्ट्री के स्टाइल एक्टर अवधेश मिश्रा इस बार फिल्म डमरू में भगवान शिव की भूमिका में होंगे। हाल ही में वीनस म्यूजिक द्वारा जारी फिल्म डमरू के ट्रेलर में अवधेश मिश्रा तांडव करते नजर आए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। अमूमन वे भोजपुरी स्क्रीन पर निगेटिव रोल में नजर आते हैं, मगर रजनीश मिश्रा ने रिस्क लेकर अवधेश मिश्रा अपनी तीनों फिल्मों में पॉजिटिव रोल में कास्ट किया, जिसमें 100% सफल रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरिया सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी फिल्म डमरू में अपनी छवि के विपरीत अभिनय कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जबकि पंजाब के लहलहाते सरसों की सुगंधित हवा अब भोजपुरी की अमराइयों में भी लहलहाएगी। इस दिल का शवा का नाम याशिका कपूर है, तो खेसारी लाल यादव के अपोजिट हैं और यह उनकी डेब्यू फिल्म है। फिल्म डमरू के निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा हैं, जो खुद भी भोजपुरी माटी से आते हैं और उनकी सोच भोजपुरी सिनेमा के स्तर को ऊपर उठाना है। इसी सोच के तहत वे भोजपुरिया संस्कार, भाषा और मर्यादा के मर्म दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी इसी सोच की उपज है फिल्म डमरू। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिस वजह दर्शकों के अलावा पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इस फिल्म का इंतजार है। फिल्म डमरू के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह भोजपुरी सिनेमा पर लगने वाले अश्लीलता के दाग से मुक्ति दिलाएगी और भोजपुरी सिनेमा से दूर हुए भोजपुरी दर्शकों की धारणा को पवित्र करने के लिए गंगा जल का काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डीडी के जलवे को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद।